लहरें आगे बढ़ रही हैं। इसी वजह से आसपास के पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। इवैक्यूएशन की कार्रवाई की गई है। पिछले दो दिन से ये कार्रवाई चल रही है और तकरीबन 45,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। मुंबई के जितने भी बीचेस हैं तमाम जगहों पर लोगों को जाने पर रोक लगाई है। पानी जो कि जस्ट 10 फुट तक रहा करती थी, जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जलस्तर लगभग 24 फुट तक का हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से ध्वज पताका बदला नहीं गया, बल्कि एक दूसरा ध्वज पताका लगाया गया था। तेज हवाओं के चलते ये ध्वज पताका भी खंडित हुआ है। हालांकि यहाँ के पुजारियों का, स्थानीय लोगों का मानना है कि ये संकेत है कि जो द्वारका पर खतरा है वो खतरा टल गया है। 9 जून 1998 ये वो तारीख है जिसे गुजरात कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता है। उस रोज एक गलतफहमी हुई, सुना गया कि तूफान कमजोर हो गया है। लोगों ने भी सोचा कि ज्यादा खतरा इससे अब नहीं है। मोबाइल फोन थे नहीं, लैंडलाइन भी कम घरों में ही थे। सैटेलाइट फोन से थोड़ी जानकारी दी गई, मगर संभलने का मौका लोगों को नहीं मिला और हजारों की जान चली गई, सैकड़ों लापता हो गए। एक बार फिर गुजरात में जून का महीना और जून के महीने में महातूफान आने वाला है। पूरे 25 साल बाद भय वैसा ही है। अरब सागर में उठा शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय भारत की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो पिछले 12 घंटों में इसकी रफ्तार 167 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 157 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। हालांकि ये अभी भी अति गंभीर चक्रवात की कैटेगरी में ही है। 15 जून तक जब ये गुजरात के तट से टकराएगा, जो इसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, उस वक्त गुजरात से महाराष्ट्र तक खतरा बरकरार है। राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम मोदी की पूरी तैयारी से लेकर है, ना कोई गलतफहमी है और ना ही कोई कोर कसर है। 25 साल पुराना इतिहास दोहराने के मूड में ना तो केंद्र है और ना ही राज्य सरकार, इसीलिए इसे लेकर तैयारी पूरी की गई है। अब देखना यहां पर यह होगा कि होने वाला क्या है। सबसे पहले आपको बिपरजॉय के ट्रेलर दिखाते हैं हम। बड़ी खबर जिस तरीके से आ रही है, गुजरात से तस्वीरें भी आ रही हैं जो डराती हैं, बेहद डरावनी तस्वीरें। बिपरजॉय तूफान का ट्रेलर नजर आया इन तस्वीरों के जरिए। आप देखिए जरा तूफान के आने से पहले ही किस तरह से उसका असर दिख रहा है। तेज रफ्तार से चलती हुई हवाएं, और बिपरजॉय तूफान को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से, स्टेशन से तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है तूफान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस वीडियो में तूफान असर दिख रहा है। देखिए तस्वीरें जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई हैं और इनमें तूफान का असर, तूफान का नजारा देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से, इन तस्वीरों के जरिए लगातार, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर भी आप उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं हमारे संवाददाताओं के जरिए, और अब इस तस्वीर के जरिए उस तूफान का असर भी समझा जा सकता है। बिपरजॉय तूफान आने में अभी समय, लेकिन उसकी दस्तक से पहले ही किस तरह से मौसम बदल गया है, बिगड़ गया है और लोगों की मुसीबतें बढ़ाने वाला ये तूफान क्या कुछ कर सकता है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं ताकि अगर ये दस्तक जब दे उस वक्त जो भी नुकसान को होने से रोका जाए, हर वो तैयारी की जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से। और मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक द्वारका से 290 किलोमीटर की दूरी पर है यह तूफान। कच्छ से जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी कल शाम तूफान के जखाऊ तट से टकराने के आसार इसके हैं। इस बीच गुजरात के उन 8 जिलों जहां पर तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, वहां से 50,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। एहतियातन कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। तो अभी द्वारका से 290 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये तूफान।
और लगातार आप बड़ी अपडेट, बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं बीपी न्यूज पर। विपदा, बड़ी तस्वीरें, इसकी आखिर क्या कह रही हैं? कुछ तस्वीरें आपको इस बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तस्वीर कहती क्या है। और ये समझाने के लिए बिना देर की एक्सपर्ट का सहारा लेना होगा। आनंद जी, प्लीज आप यहां पर आइएगा और जरा समझाइए कि इसके पीछे कितनी बड़ी आपदा विपदा छिपी है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये जो डायग्राम है आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल जो है साइक्लोन का जो पाथ अभी तक है वो है, और उसके बाद में ये प्रिडिक्टेड पाथ है। okay. यानी कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए जखाऊ के पास से इसका लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल कल 15 तारीख को 4 बजे से शाम 8 बजे के बीच में होगा। सर, ये नीचे हम काली लाइन देख रहे हैं, ऊपर जाकर ये लाल हो जाती है, इसका मतलब मैंने बताया ना, ये तो एक्चुअल पाथ है जो अभी तक जिस डायरेक्शन में चलता हुआ रूट इसका यहाँ तक ये एक्चुअल। अब आगे किस डायरेक्शन में जाएगा उसको रेड कलर से दिखाया गया है, वो है प्रेडिक्टेड और फोरकास्टेड रूट। और ये जखाऊ यहाँ पर, ये इसकी डिटेल यहाँ दी गई है जी, इसमें मतलब कि बताया गया है कि ये कितनी दूरी पे है, इनके लोकेशन बताई गई है कि 260 किलोमीटर पोरबंदर से उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, ये आपका नॉर्थ में है, और ये 470 किलोमीटर ये इनकी वो दे रखी है सभी स्टेशन से जो कितनी कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है वो बताया है। जैसे द्वारका जो है से साइक्लोन दक्षिण पश्चिम में है, उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है वो बताया गया है, और उसके साथ में उसका इम्पैक्ट, विंड्स कितनी तेजी से चलेंगी और क्या क्या उसके हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि साइक्लोन 3-4 तरीके से प्रभावित करता है। पहला तो बहुत तेज हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग ने कहा 125 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और उसके बीच बीच में गस्टीनेस हो सकती है। ये जो 150, ये मैप जो आप दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि ये बताता है कि किस तरीके से रूट बदला गया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसको भी आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा। अब ये जरा बताइए, इस मैप में आप क्या समझ और देख पा रहे हैं? सेम वही, उसी को ये आपने मतलब जैसे इसे कहते हैं मैग्नीफाई कर दिया है, और ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ गुजरात के मतलब कि जखाऊ पोर्ट से होता हुआ आगे को बढ़ेगा और फिर ये राजस्थान की ओर जाएगा। हालांकि ये वीक पड़ जाएगा, मगर इसका असर जो है 16 तारीख को राजस्थान में बड़ा अच्छा खासा दिखने को मिलेगा, और मॉइस्चर इवन जो है आगे तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक भी पहुंच रहा है। अभी देख रहे हैं बाहर, आप देखेंगे तो बादल आ चुके हैं। जो हम राज्यों की जिनकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी क्या ये इंपैक्ट करेगा आसपास के राज्यों पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में दिखेगा इसका, मध्य प्रदेश में इसका असर दिखेगा, महाराष्ट्र में तो दिखेगा ही दिखेगा, गुजरात है और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आपके साथ साथ राजस्थान में भी इसका 16 तारीख को असर दिखेगा। हालांकि जब तक ये साइक्लोन नहीं रहेगा, जब तक ये वेल मार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर रहेगा, मगर फिर भी वहां तेज हवाएं चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, वहां भी बारिश होगी। ठीक है, और ये भी अगर आप समझा पाए जी बिल्कुल, ये आपकी सैटेलाइट से जो हमने कहते कैसा दिख रहा है बिपरजॉय साइक्लोन, कि साइक्लोनिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ऐसे कर्ल होता है, एंटी साइक्लोनिक विंड्स उसमें चलती है, तो इसमें आप देख सकते हो ये कैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये विंड्स है, ये हवाओं की रफ्तार, बिल्कुल हवाएं से जैसे वो दिखेगा, ऊपर से सैटेलाइट ने किसको कैसे देखा है वो उसकी पिक्चर आपके सामने, और ये खतरे को का दिखाती है ये लाल और ये हरा। नेचुरली कि जहां जितनी ज्यादा क्लाउडीनेस होगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, नेचुरली उन जगहों पे हेवी रेन और वेरी हेवी रेन होगी। असर क्या होगा? असर तो बेसिकली मैंने बताया कि साइक्लोन कोई भी है, साइक्लोन एक 3-4 तरीके से असर होता है। एक तो होगा कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी अप टू 150 किलोमीटर पर आवर। ये जो येलो सर्कल है सर, ये क्या बता रहा है? नहीं, ये तो सेंटर, ये दिखा रहा है इसका सेंटर है, और इसके साथ साथ जो बारिश होगी वो भारी से बहुत भारी वर्षा, और कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा, यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, जो कि आज द्वारका के लिए कहा गया है, और कल जो है जामनगर और आपके कच्छ और द्वारका तीनों जगह पे भारी, बहुत भारी और कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा। आप ये क्लाउडी बता रहे हैं, ये हवा की रफ्तार बता रहे हैं, और इसी को शायद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो आप बता रहे थे जी, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिल्कुल। जैसे जैसे ये आगे को बढ़ेगा, हालांकि पहले ही एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की फॉर्म में है, मगर जैसे ये कल आगे की ओर बढ़ेगा थोड़ी किसी इसमें कमी आएगी, थोड़ा कम जब ये रह जाएगा। और क्या ये नक्शा अभी बदल भी सकता है आगे? डेफिनेटली, नेचुरली जैसे जैसे आगे को बढ़ेगा, अभी तो ये देखिए अब ज्यादा पोर्शन अभी कवर नहीं है, पर आगे को बढ़ेगा तो ये सारा जो पोर्शन है मूवमेंट होकर यहाँ आ जाएगा, और उस समय जो है जैसे बताया जा रहा है बेहतर तरीके से आप बता रहे हैं सर, और भी इसे हम समझेंगे, आप प्लीज अपनी जगह पर आइएगा, मैं फिर से आपको बुलाऊंगी और आपकी मदद से हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं। लेकिन मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। बड़ी खबर आपको दे देते हैं, चक्रवात के बढ़ते खतरे को देखते हुए सौराष्ट्र कच्छ के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है बिपरजॉय तूफान पर। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, और लगातार हम आपको इसका अपडेट अपने ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाताओं के जरिए भी दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हैं मृत्युंजय, जितेंद्र और साथ ही मेरे साथ अंकित भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मृत्युंजय आपका रुख कर लेती हूं, सबसे पहले तो ताजा हाल वहां का बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी आपने जिक्र किया कि
सौराष्ट्र के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने साफ हिदायत दी है कि जो समुद्री किनारे हैं वहां पर ज्यादा सावधानी बरती जाए, वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये क्यों कहा गया है वो तस्वीर दिखाने के लिए मैं एक जगह पहुंचा हूं। द्वारका से थोड़ी दूरी पर समुद्र का किनारा है, देखिए ये समुद्र का किनारा है। मछुआरों ने अपनी नाव 2 दिन पहले किनारे लगा दी थी, लेकिन अब तस्वीर देख लीजिए क्या हुआ है, नाव डूब गई है। मछुआरों की ये जो नाव है वो नाव आपको जलमग्न नजर आएंगी, ऊपर के कुछ जो नाव है उसके ऊपर का सिरा आपको नजर आएगा, बहुत सारे नाव जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वजह यह है कि इन नावों को बांध कर रखा गया था, इन नावों को किनारे तट पर लगाया गया था, लेकिन इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ये नाव खिसक कर पानी की तरफ गए और कुछ नाव पलट गए हैं। ये असर है कि रफ्तार भरी जो हवाएं चल रही है वो किस तरीके से नाव किनारे पर थी उसे भी पानी में डुबो दिया। अंकित आप बताइए जरा तस्वीरों के जरिए क्या हाल वहां पर। बिल्कुल शिरीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एपिसेंटर है। एपिसेंटर का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहां पर लैंडफॉल होगा इस चक्रवाती तूफान का। मृत्युंजय कहां पर है? मृत्युंजय अगर मैं अपने राइट साइड में दिखाऊं तो इस साइड में द्वारका है, लेकिन महत्वपूर्ण कहां है? महत्वपूर्ण ये जगह है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये मांडवी से लेकर के जखाऊ के बीच का ये पूरा इलाका है, 50 से 60 किलोमीटर लंबा ये इलाका है। इस बीच में कहीं पर लैंडफॉल होगा, एग्जैक्ट लोकेशन का अभी आइडिया लगाना मुश्किल है क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है अपना रूट बदल रहा है। लेकिन देखिए समुद्र की जो लहरें हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से उफान पर है। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा, दोपहर में 2 बजे जब हम बात कर रहे थे उस दौरान हवा की जो तीव्र रफ्तार थी इस वक्त उससे 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हुई है। लेकिन इसके साथ में एक महत्वपूर्ण और जानकारी, हर आधे घंटे में जो बारिश हो रही है ऐसी हो रही है, यकीन मानिए अगर आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको चोट लग रही है या पत्थर ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, और ये लहरें जो ऊंची ऊंची उठती हुई है वो बता रही है कि आखिर ये खतरे की आहट भर है अभी। अब मैं मुंबई रुक करती हूँ, जितेंद्र से जानते हैं। जितेंद्र थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि खतरा लगभग टलता दिखाई दे रहा है, तस्वीर कुछ बदली क्या? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है इस चक्रवात से, मुंबई पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि ये चक्रवात अब मुंबई के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ गया है और मुंबई में इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये चक्रवात जो है ये अरब सागर में आया है और बीते चंद सालों में, बीते दशक भर में अरब सागर में ऐसे चक्रवातों की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। पहले ये चक्रवात बे ऑफ बंगाल में आते थे, बंगाल की खाड़ी में फ्रीक्वेंटली आते थे, लेकिन अब लगभग हर साल ये अरब सागर में भी आ रहे हैं और चूंकि मुंबई अरब सागर के तट पर बसी हुई है इसलिए जोखिम लगातार मुंबई पर बना हुआ है। हर साल जो है कोई ना कोई चक्रवात, चाहे वो तावते हो या निसर्ग हो, वो मुंबई की ओर से, मुंबई के पास से गुजरता है और मुंबई पर जोखिम बनाता है। ठीक है जितेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। राजस्थान में भी क्योंकि इस तूफान का असर होगा और वहां से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष वहां का भी अपडेट दीजिए। शिरीन मैं बाड़मेर में खड़ा हूं और जून के महीने में बाड़मेर में जबरदस्त लू के थपेड़े देखने को महसूस करने को मिलते हैं, लेकिन इस वक्त मैं खड़ा हूं तो आप यकीन मानिए इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि बाड़मेर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इस साइक्लोन की वजह से। हालांकि 16 जून को जब ये साइक्लोन राजस्थान में दाखिल होगा तो इसकी स्पीड जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे लगभग 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह जाएगी, लेकिन राजस्थान के 8 जिलों में इसे देख ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की तमाम टीमों को तैयार रहने को कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि लो प्रेशर एरिया राजस्थान में होने के बाद बदल जाएगा और यह पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से बता रहे हैं कि बाड़मेर में भी मौसम जो है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। सभी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके जरिए तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन गुजरात की तरफ बढ़ रहे तूफान की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर जानकारी दी है कि कल शाम तक पूरी रफ्तार के साथ ये तूफान सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पिछले 6 घंटे से रफ्तार धीमी पड़ी है, यानी कि इसकी जो रफ्तार से जिस गति से ये बढ़ रहा था उसमें थोड़ी कमी देखी गई बीते 3 दिन में। जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर की दूरी पर है अभी ये तूफान। हम 2 से 3 मीटर हाइट का जो टाइडल वेव पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो ये टाइडल वेव सबसे ज्यादा होगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा देवभूमि द्वारका और जामनगर मोरबी में होगा मगर लेकिन कम होगा। सबसे ज्यादा लगभग 2.4 टू 2.8 मीटर स्टर्म सर्ज दिखाई दे रहा है नालिया के आसपास जो एरिया है, तो इसमें बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है और छोटे घर सामान जैसे कच्चा हाउस हो कि
तीन हाउस हो क्या क्लस्टर्स हाउस हो, ये सब इसमें इम्पैक्टेड हो सकते हैं, पोर्ट्स भी इसमें इम्पैक्टेड हो सकते हैं, इसलिए हम वार्निंग एंड एडवाइजरी दे रहे हैं। तो रफ्तार धीमी पड़ी है लेकिन इसका खतरा कितना बड़ा है, आइए आपको इस बड़ी स्क्रीन पर यह भी समझाने की हम जल्दी से कोशिश करते हैं। तैयारियां तो आपको हमने दिखाई लेकिन कितना खतरनाक ये तूफान और इसका असर किस तरीके से हो सकता है, चाहे इसकी स्पीड हो या फिर इसके आने के बाद आखिर क्या कुछ हो सकता है। देखिए कैटेगरी 119 से 153, एक यानी कम, मध्यम 119 से 153, ज्यादा अगर 178 से 210 होती है तो 211 से 250 तो फिर ये बहुत ज्यादा, और सिर्फ विनाश अगर 250 से ज्यादा। और ये हम सब आपको बता रहे हैं कि कैटेगरी, हवा की स्पीड और इसका असर, हवा की स्पीड से साइक्लोन का डेंजर पॉइंट तय होता है और उसके बाद ही ये तय होता है कि आखिर ये कितना घातक हो सकता है, इसका असर किस बड़े स्तर पर हो सकता है। तूफान को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि तूफान की दिशा में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है, इस बदलाव की वजह से तूफान द्वारका से थोड़ी दूर से होकर गुजरेगा और इससे द्वारका में असर कम हो जाएगा। पहले यह तूफान द्वारका में बिल्कुल करीब से गुजरने वाला था लेकिन अब इसने अपनी दिशा बदल ली है, रूट इसका बदल रहा है, जिस वजह से अब द्वारका से थोड़ी दूरी पर ही रहेगा, ये उसके बिल्कुल करीब नहीं आएगा। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पीके मिश्रा जी आपसे मेरा सवाल सीधा सा, क्या ये 25 साल पहले वाला खतरा है क्या सर? हाँ, 25 साल पहले भी जो हुआ था बिल्कुल उस टाइप का है, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये महातूफान जो है अरब सागर में जो है जो हुआ है, ये देखिए मुंबई को तो मुंबई तो आउट हो गया, शांत है, और द्वारका में जो कल का जो सिचुएशन द्वारका में था वो आज नहीं है। हाँ। क्योंकि द्वारका को वो क्रॉस कर रहा है, फाइलिन को मैं देखा है और ताउती को भी मैंने देखा है, क्योंकि उन्होंने हिट करने से पहले वो अपना डायरेक्शन भी चेंज किए हैं। हाँ। अब ये जो जहां हिट करेगा, जो कल शाम को कोई भी टाइम पे 4 से 8 बजे तक जब हिट करेगा, ये है मांडवी और जाखाऊ के बीच में, इस जगह पर मांडवी से जाखाऊ के बीच में हिट करेगा और इसका इम्पैक्ट जो है, जब इम्पैक्ट होगा, अभी जब आप देख रहे थे इम्पैक्ट इसका कम होगा, 10 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी कम हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। मैं जो सोचता हूँ इसके मायने क्या हो गए सर, मैं उसको भी आपसे समझूंगी, कॉमेंट ले लेती हूँ। कृष्ण मित्र जी भी हमारे साथ है, सर ये कितना घातक नजर आ रहा है आपको? देखिए घातक तो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ तक के तैयारी की बात है, काफ़ी तैयारी ठीक है, अच्छी है। गुजरात और उड़ीसा जैसे कहे जाते हैं हिंदुस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अव्वल नंबर पे आते हैं, उनकी तैयारियाँ, उनकी प्रिपरेशन, उनकी सब कुछ बहुत अच्छी हैं, और मेरे हिसाब से जिस तरह की तैयारियाँ की गई हैं उस तरह से ये जो आपका राष्ट्र है गुजरात और आगे राजस्थान भी काफ़ी सेफ है और प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है। ख़ास तौर पे ये है कि जो पहली बात उन्होंने करी है, हाँ। एरिया को खाली किया गया है, जो वहाँ पे निवासी मतलब तैयारियां हमारी मुकम्मल है, लेकिन पूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी और साथ ही एक्सपर्ट्स भी हमें यही बता रहे हैं कि किस तरीके से जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती अभी दिखाई भले ही दे रही हो लेकिन घातक भी है उतनी ही। आपको फिर से लेकर चलेंगे अपने संवाददाताओं के साथ ही और मेहमान से भी चर्चा करेंगे। तो लगातार बिपर जॉय को लेकर एबीपी न्यूज पर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बिपर जॉय तूफान पर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं, लिहाजा उन्होंने अपना तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है। तूफान को लेकर हालात पर लगातार गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, किस तरीके से केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक बिपर जॉय तूफान पर अपनी बारीकी नजर बनाकर रखे है ताकि हर तैयारी यहां मुकम्मल हो। और सीधे मैं इस पर बात करने के लिए अंकित का रुख कर लेती हूं। अंकित, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की तैयारी और लगातार एक्शन मोड में? देखिए निश्चित तौर पर फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, लगातार इस पर जो है चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के लिए एक पहली बड़ी खबर आपको दे देता हूं, जहां पर मैं मौजूद हूं मांडवी और जखाऊ पोर्ट के बीच में, यहां पर तेज बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है, यहां पर एक बार फिर से मौसम बदला, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि हर आधे घंटे के अंदर इस तरीके से तेज बारिश होती है, 10 से 15 मिनट ये बारिश होती है, उसके बाद में फिर मौसम बदलता है, तो एक बार फिर से मौसम बदला है। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, और रही बात जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की बैठकों की, तो प्रधानमंत्री ने भी
भी बैठक की थी और गृह मंत्री भी पिछले दो दिनों से बैठक कर रहे हैं। एक जानकारी और निकल के सामने आई है कि गृह मंत्री के जो दौरे थे वो भी फिलहाल जो है वो अपने रद्द कर रहे हैं और इस पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कल जब वो तूफान यहाँ पर हिट करेगा। लेकिन इस वक्त के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कैमरा पर्सन राजेंद्र के लिए मुश्किल है कि पूरे लेंस पे पानी आ रहा है, लेकिन हम जो है कोशिश करते हैं कि अगेंस्ट आपको रेन जो तस्वीरें है वो दिखा सके कि किस तरीके से बादल उमड़े हैं और मौसम बदल रहा है और यही हो रहा है। अगर जब से हम यहाँ पर पहुंचे हैं हर आधे घंटे में इसी तरीके से मौसम बदलता है, तेज बारिश शुरू होती है और अब अभी का जो अलर्ट है वो ये है कि अब से लेकर के कल रात 8 बजे तक यहाँ पर इसी तरीके से हर 10 से 15 मिनट में तेज बारिश होगी और रात के बाद से यानी कल सुबह से लेकर के शाम तक लगातार बारिश हो सकती है, तो कई मिलीमीटर बारिश अगले कुछ घंटों में होगी इस जगह पर और इसी वजह से समुद्र की जो लहरों का जो उफान है वो बिल्कुल अंकित मौसम बदलता और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपको भी बेहद अपना ख्याल यहाँ पर रखना है, आपके कैमरे के लेंस पर भी जो है वो पानी की बूंदे साफ दिखाई दे रही है और कैसे तेज हवाएं वहां पर चलना शुरू हो गई है और ये तो देखिए तूफान से आने के पहले की आहट है, जब वो दस्तक देगा तो असर क्या होगा ये भी अपने आप में बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन आइए आपको कुछ और जरूरी बातें बिपर जॉय से जुड़ी हुई बताते हैं। बिपर जॉय का रूट या अनुमानित लोकेशन है ये जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरी लाइन क्या कहती है और कहां कहां पर इसका इफेक्ट होगा? आनंद जी आप प्लीज यहां पर आइएगा और समझाइएगा जरा कि ये रूट क्या है, किस तरीके से शुरुआत इस बिपर जॉय तूफान की हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है कौन दिखाया है कि कहाँ तक इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा और ये आपका जो है साइक्लोन को दिखाया गया है, चक्रवात कैसे ये अपना रुख ले रहा है, किस तरह से डायरेक्शन ले रहा है और आपके यहाँ पर ये इसका रूट है जो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, प्रोजेक्टेड यानी कि प्रिडिक्शन जो दी गई अनुमान है, अनुमान ये है कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता हुआ ये गुजरात को। और ये जो सर हरी वाली लाइन है, हालांकि हमने तैयार किया है, कौन बोलते हैं इसको, कौन कहते हैं कि कहने का मतलब कि इसके बीच से ये बाहर नहीं होगा इसका इम्पैक्ट, लेकिन इसी ये एरिया प्रभावित रहेगा। कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है इससे, तो ये इसी के बीच में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये वो एरिया है जो इससे प्रभावित इसके प्रभाव में आएंगे, बिल्कुल जामनगर पोरबंदर ये जो है आपका खासकर इसमें ज्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा 15 को। और उसके बाद जैसे ही साइक्लोन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये मूव करता हुआ थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ राजस्थान की ओर जाएगा। सर मैं ये समझना चाहती हूँ, मतलब ये 12 जून को यहाँ से जाता हुआ सीधा दिखाई दे रहा है फिर यहाँ से मुड़ जाता है, ये रूट बदलता क्यों है, क्या वजह रहती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारी चीजें इस पर निर्भर करती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि ये बिल्कुल स्लो पड़ गया था और ये आपने नोट किया होगा, यदि आप शायद गाड़ी भी चला रहे हैं तेज स्पीड से और आपको टर्न लेना है तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, जब भी टर्निंग लेते हैं, नहीं तो गाड़ी उलटने का डर रहता है। सेम ये रहता है, जब साइक्लोन यहाँ आके बहुत स्लो हो गया था, उसकी स्पीड बहुत कम पड़ गई थी, उसी से अंदेशा हो गया था कि ये अब अपना रिकर्व करने वाला है, रिकर्व मुड़ने वाला है, दिशा बदलेगा। क्या दिशा बदलने के बाद इसकी रफ्तार भी तेज हो जाती है? जी कई बार हो जाती है, अभी तो ये फिलहाल मेरा ख्याल 3 या 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, मगर एक बार ये आगे जब जाएगा तो हो सकता है हल्की से फिर मध्यम और फिर फास्ट स्पीड हो जाए इसकी, 15 से ये 25 के बीच में भी आ सकता है। ये जो ये आप जो बता रहे हैं 1998 में भी यही हुआ था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो रफ्तार और वो असर उसका तूफान का नहीं होगा, लेकिन उस समय भी रिकवर हुआ था 98 में और उस समय मुझे तो लगता है ये उसी तरीके का है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, पर वो थोड़ा स्ट्रेंथन ज्यादा था उसके वो, और उस समय जैसा कहा उस समय तैयारी नहीं थी, उस समय 11,000 से भी ज्यादा लोग मर गए थे, इस बार तो इतनी अच्छी सरकार की तैयारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, NDMA, सभी लोग इंडिया मेट डिपार्टमेंट में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है वहां से। अभी जो एक बार फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि रूट बदल रहा है उसका, वो लोकेशन अपनी चेंज कर रहा है, तो क्या ये भी माना जाए जैसा आपने यहाँ पे मुझे बताया था कि ये जैसे ही अपनी दिशा चेंज करता है ये रफ्तार पकड़ लेता है, तो ऐसा ना हो कि अब फिर से उसकी रफ्तार तेज हो जाए? तेज तो ये होगी, रफ्तार तो होगी इसकी तेज, साइक्लोन जैसे जैसे आगे को आएगा थोड़ी इसकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मगर रहेगा ये जैसे बोला गया है मांडवी और कराची के बीच में है, ये होने को कुछ भी हो सकता है, मेन मंडी और कराची के बीच में ही रहेगा। मैं आती हूँ आपके पास सवाल लेकर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तूफान से पहले हर एजेंसी पूरी तरीके से तैयार है, जामनगर मिलिट्री स्टेशन से जवानों का जत्था द्वारका के लिए रवाना कर दिया गया है, तूफान से निपटने के लिए सेना भी पूरी तरीके से मोर्चे पर है और तैयार दिखाई दे रही है और इसीलिए जामनगर मिलिट्री स्टेशन से जवानों का ये जत्था जो द्वारका के लिए रवाना कर दिया गया है, द्वारका वो इलाका जो जद में आ सकता है इस तूफान की, प्रभावित हो सकता है और इसीलिए वहां पर भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। इस पर हमें जानकारी देने के लिए मृत्युंजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय पूरी तैयारी, सेना भी तैयार पूरी तरह?
जी निश्चित तौर पर आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी द्वारका में लगाई गई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें हैं जिनको द्वारका की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन साथ ही साथ जामनगर में जो बेस है वहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं और बचावकर्मी हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है और उनको द्वारका और अन्य जो प्रभावित क्षेत्र होंगे, तूफान प्रभावित क्षेत्र या समुद्र के इलाके के क्षेत्र, वहां पर उनको मूव किया जाएगा। द्वारका को लेकर चिंता इसी बात की है कि अगर यहाँ पर, यहाँ चूंकि आबादी काफी है और धार्मिक नगरी है, यहाँ बहुत सारे होटल है, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं और ऐसे पर समुद्री किनारों पर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए तो एनडीआरएफ की टीमें हैं और एसडीआरएफ की टीमें हैं, हमारी जो सेना है वो भी तैयार है, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस प्रकार की तैयारियां की गई है। क्या आपके आसपास भी मौसम बिगड़ता दिखाई दे रहा है जो अंकित हमें बता रहे थे? देखिए, ये लगभग जो अंकित बता रहे हैं लगभग मिलता जुलती तस्वीर यहाँ द्वारका में भी देखने को मिल रही है। हर 5 मिनट में तस्वीरें बदलती हैं। जब हम एक्सपर्ट से जब बात कर रही थी उस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही थी और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त बारिश रुकी हुई है, तेज हवाएं चल रही हैं, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी लगातार तेज बारिश आ जा रही है, तो कभी सिर्फ हवाएं लगातार चल रही हैं। हवाएं तो लगातार चल ही रही हैं पर बारिश बीच बीच में बहुत तेज हो रही है, तो ये साइक्लोन का एक फीचर ही होता है। साइक्लोन की एक बिल्कुल मौसम बदल रहा है लगातार और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। मृत्युंजय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर से आपके पास आती हूं। तो मृत्युंजय, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, कभी भारी बारिश होने लग जाती है, कभी हवाएं अचानक से बढ़ जाती हैं, उनकी गति में रफ्तार देखने को मिलती है। इसी बीच एक बड़ी खबर, तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है। कच्छ में 4 टीमें हैं, जामनगर में एनडीआरएफ की 2 टीमें हैं, मोरबी और पोरबंदर में एनडीआरएफ की एक एक टीम लगाई गई है। द्वारका और राजकोट में एनडीआरएफ की 3-3 टीमों को तैनात किया गया है। गिर सोमनाथ में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात है। वलसाड़ और जूनागढ़ में एनडीआरएफ की एक एक टीमों को तैनात किया गया, यानी तैयारी पूरी है। पीके मिश्रा जी, मुझे बताइए, मानसून भी आगे बढ़ रहा है तो क्या बिपरजॉय का असर उसकी रफ्तार पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, मानसून जब आ रहा है तो बिपरजॉय के साथ ये बिल्कुल, जैसे एक चीज है, हमारा अर्थक्वेक हुआ था, अर्थक्वेक के साथ इसका ताल्लुकात नहीं था, लेकिन मानसून जो है उसके साथ इसका ताल्लुकात जरूर है, क्योंकि इसमें जो है आप अभी देख रहे थे कि जखाऊ में कंडीशन क्या है, हर एक आधा घंटे के बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है और दूसरा विजिबिलिटी पुअरेस्ट है और आधा घंटे के बाद हेवी रेनफॉल होगा और कल सुबह से आप देखेंगे इसके साथ साथ जो है जखाऊ और मांडवी में हेवीएस्ट रेनफॉल हो सकता है और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी किया गया है। और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि ये जब हिट करेगा कल आफ्टरनून में, इवनिंग में हिट करेगा, द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विल बी नॉट ओनली मांडवी, असर हमारी सोच से ज्यादा भी हो सकता है। मित्रों जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात में चक्रवात को लेकर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बात की है। नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों से तूफान के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य करने के लिए कहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जेपी नड्डा ने गुजरात के पदाधिकारियों के साथ तूफान को लेकर बातचीत की है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, गुजरात के सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ये मीटिंग हुई है। तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया है, तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है सरकार। कृष्ण मित्र जी, आपके पास मैं आती हूं। इससे पहले आपने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, सर आम लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इन तूफान प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक के हमारा एक्सपीरियंस जाता है और प्रिंसिपल है डिजास्टर मैनेजमेंट का, के सबसे नज़दीकी हेल्प जो है वो सिटीजन्स का अपना हाथ है, अपने हाथ। जब तक आप खुद अपना कोशिश नहीं करेंगे, और जैसे कि लोग कहते हैं, कल मैं कहीं और बात कर रहा था तो वो कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, सरकार तो बाद में आएगी, पहले तो आप करो, आप क्या करेंगे? आपने जो प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी जान माल को, एनवायरनमेंट को और मवेशियों को सिक्योर करना है और वो एरिया से आपको पलायन करना है, दूर जाना है। आपको सबसे पहले खुद वो कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने भी ये बात हमारी सुनी होगी। इस पर चर्चा और आगे करेंगे हम, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे पास वक्त इतना ही था। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। फौरन लौट रहे हैं।